दोनों तरफ ड्रम्स जी, इट मीन अनाउंसमेंट, ड्रमिंग का मतलब यहाँ अनाउंसमेंट था कि बादशाह आने वाले हैं जी। उस वक्त कोई मोबाइल फोन टेलीफोन नहीं होते थे जी। ये जहांगीर महल जी, एलिफेंट ट्रंक डिज़ाइन, फ्लावर्स, ये सब कट बाई यूज, ब्यूटीफुल कारपेट, कॉटन कर्टन, सिल्क कर्टन, वुलन कर्टन, ये सब देखें आप, हाथ से बनाया गया है ये जी। रेड स्टोन, सैंड स्टोन, कट बाई चिजल पर, चेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के इनको जी, सब जी, 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 पत्थर को डिजाइन किया हुआ जी। ये सब हिंदू मार्केट के देख रहे हैं आप ये जी, एलिफेंट ट्रंक डिज़ाइन, फ्लावर्स, ये सब वाटर ड्रेनेज है। अच्छा जी, तो पानी जितना भी होता था इनके अंदर नीचे जाके, और ये क्या बनाया सर जो बीच, ये सर वाटर ड्रेनेज। अच्छा, तो सारा वाटर आके इनमें इकट्ठा हो जाता था और फिर जी, एंड विद द गन विद द एरोज जी, देन लायन टाइगर्स, देन शूटर्स टू प्रोटेक्ट द किंग जी। क्योंकि आगरा था मुगलों की राजधानी, बादशाह लोग यहाँ रहते थे, अगर उस वक्त अगर एसी रूम भी कहते हैं। अच्छा, सब डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए वाइट मार्बल पैलेस जी। वाइट मार्बल पैलेस बनाए शाहजहां ने, शाहजहां वो जिसने बनाया ताजमहल जी। शाहजहां के तीन बीवियां थी, पहली बीवी के कोई बच्चा नहीं हुआ, दूसरी के कोई बच्चा नहीं हुआ, तीसरी के 14 बच्चे हुए। उसको नाम दिया मुमताज, टाइटल दिया मुमताज, जो मुगल इतिहास की सबसे सुंदर औरत थी जी। उसकी डेथ हुई 39, एज ऑफ 39, टाइम ऑफ 14 डिलीवरी। 14 में 8 बच्चों ने सर्वाइव नहीं किया, 6 ने सर्वाइव किया, 2 बेटी और 4 बेटे। एक बेटी का पैलेस जी देखें आप जी, रोशन आ रहा, दूसरी का दूसरी साइड जहां आ रहा। अभी ये मेटल कॉपर है, पर दिस वाज अ गोल्ड। ओके, और ये वही मार्बल लगा है जो ताजमहल में लगा, इसको कहते हैं मकराना मार्बल। अच्छा जी, आगरा टू मकराना इज 400 किलोमीटर जी। बिल्कुल, तो वो लोग वहाँ से इसको मंगाते थे हाथियों से, घोड़ों से जी, क्योंकि उस वक्त कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं था जी। बिल्कुल, और ऊपर आप देख सकते हैं सर, बता रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड हुआ करता था। इसको जाटों ने, मराठों ने, ब्रिटिशर्स ने जी लूटा। यहाँ से फिर दोबारा देखे आप नाइस व्यू ऑफ ताजमहल जी। पहले यमुना नदी यहाँ तक होती थी। अच्छा, फुल ऑफ द वाटर जी, यहाँ तक ये गार्डन है, यहाँ तक वहाँ करती थी, इस बोट को टच करती थी जी। बारिश नहीं होती यहाँ, इसलिए जमुना कंडीशन इस तरह की है जी। और वो जो मोट आप स्टार्टिंग में बता रहे थे, वो यहाँ से क्लियर विजिबल हो रही जी है। हाँ, ये एलिगेटर्स के लिए जी, उसके बाद मैन विद द गन विद द एरोज, उसके बाद लायन टाइगर्स जी, और फिर शूटर्स जी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही, कोई लाइट का इंतजाम नहीं था, तो पूरा ये रोशनी के लिए कैंडल को यूज़ करते थे। अच्छा, तो जैसे सब जितने भी पैलेस हैं उनमें सब में ये डिजाइन बनाई हुई है जी, 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 ताकि कैंडल को रखा जा सके। सब वाइट मार्बल, वही पत्थर जो लगा ताजमहल के अंदर जी। ये अंगूरी बाग, इसको बनाया जहांगीर ने, इसके लिए मट्टी मंगाई उसने चश्मशाही कश्मीर से। अच्छा, क्योंकि जहांगीर को शौक थे वाइन और वुमन का जी, ये रूम बने उसके हरम की औरतों के लिए। अच्छा, इस एरिया को एक्चुअली में कहते हैं मुगलों का ऐशगाह जी, और ये है खास महल, इसको मैंने बताया आपको जी। शाहजहां मुमताज का बेडरूम कहते हैं, तो खास महल पर्शियन वर्ड है, खास में स्पेशल महल इस पैलेस जी। तो दे यूज कॉटन कर्टन, सिल्क कर्टन, वुलन कर्टन जी, ये रोज वाटर फाउंटेन। अच्छा, जहाँ पे गुलाब का पानी, गुलाब का पानी जी, और दूसरी तरह के खुशबूदार जी। सर, इसके बारे में थोड़ा जैसे हम बात करें, तो इसको कश्मीर से मिट्टी मंगाने के पीछे का क्या रीजन था? मिट्टी तो यहाँ की भी थी, मिट्टी नहीं, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी जी, बढ़िया थी। अच्छा, तो फिर उसको बाग, वो जो अपना गार्डन आराम से लगा सके, उससे लगा सकते थे, और उससे अंगूर बहुत अच्छे पैदा होते जिसकी शराब बनाता था। अच्छा, अंगूर आज भी आपके सामने खल लगे हुए जी, आज पॉल्यूशन है, आज अंगूर पैदा नहीं हो सकता है जी। बिल्कुल राइट। ये सर कितने रूम है जो आप दिखा रहे हैं? ये तो कोई रूम ज्यादा नहीं है जी, 20-25 रूम होंगे ये जी, लेकिन स्पेस काफी है रहने के लिए। हाँ, काफी सारा स्पेस बना हुआ जी। सर, सामने शाहजहां का बाथरूम जिसको कहते हैं शीश महल जी, जो भाई बंद रहता है। अच्छा, ये जो सामने देख रहे हैं जी, हाँ जी। अच्छा, बंद रहता है वो, इसके लिए शीशे मंगाए।
आस महल ये देख रहे हैं आप, डुप्लीकेट पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग बहुत सुंदर थी जी, जिसको डिस्ट्रॉय किया सूरजमल जाट ने। अच्छा, ये रिंग्स लगे हैं जी पंखे के लिए। अच्छा, फैब्रिक फैन उसको चलाने के लिए, एक आदमी उधर एक उधर। अच्छा, पर वो नो मैन नो वूमेन यूनक ओके ट्रांसजेंडर होते जी, सिर्फ उन्हीं को अनुमति थी जी काम करने के लिए। सर ये जो गोल्ड के जैसा चमक रहा है, इसके बिहाइंड क्या रीजन है? ये मार्बल का ट्रांसल्यूशन है जी, लाइट पास हो रही है, इंडियन मार्बल मकराना मार्बल बेस्ट क्वालिटी मार्बल इन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर जो यूज किया गया था वो सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मार्बल, क्योंकि ये बादशाहों के महल थे जी, तो उनके लिए नंबर वन ही माल था जी, खास महल की खास हवा जी। जब आप गर्मियों के दिनों में इस पैलेस में आएंगे जी, तो आपको खास महल की खास हवा खाने का मौका मिलेगा। अच्छा, ठंडा रहता था जी। ये सब जो है यहाँ पर ब्यूटीफुल गोल्ड पेंट था इधर जी, जिसको जाटों ने मराठों ने ब्रिटिशर्स ने इसको लूटा जी। ये सब ब्यूटीफुल पेंट था, गोल्ड पेंट जी, ये सब देख रहे हैं आप, ये सारा गोल्ड पेंट था जी। तो इसको अभी निकाल लिया गया है जी, जैसे हम यहाँ पर निशान भी देख सकते हैं जगह जगह पे निशान बने हुए हैं, इसको काट दिया जी और निकाल लिया गया। अच्छा, निकाल के अपने साथ ले गए? ले गए जी, सब मार्बल इंडियन मार्बल मकराना मार्बल। तो सर ये दीवारों को इतना, ये जो पोल है जैसे, तो इसको इतना चौड़ा करने के बिहाइंड क्या रीजन है? ये तो छोटा भी बनाया जा सकता है, छोटा बना सकते हैं, इतना मजबूती नहीं आती छोटे जी। अच्छा भाई, ये 465 साल पुराना किला घूम रहे हैं जी। आजकल जो घर बनते हैं जी, एक ईंट की दीवार होती है हाँ जी, गारंटी 100 साल की नहीं है जी, 50-60 साल में वो गिर के खत्म हो जाता है। अब हम दिखाने चलेंगे आपको किले का इम्पोर्टेंट पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट, ब्यूटीफुल पार्ट जी। इसको कहते हैं जैस्मिन टावर, शाहजहां की जेल जी। शाहजहां को उसके बेटे ने कैद किया 8 साल तक, क्योंकि शाहजहां ने जनता का पैसा ताजमहल को बनाने में खर्च किया जी। ओके, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये अलाउ नहीं है। ताजमहल एक जस्ट मकबरा है, मसोलियम है जी, इतना सुंदर इतना बड़ा मकबरा बनाने की परमिशन इस्लाम नहीं देता जी। पर वो लोग बादशाह थे जी, उनके पास पावर थी जी, उन्होंने जो चाहा वो किया, तो पावर को मिसयूज करने की सजा मिली जी। इसको कहते हैं जैस्मिन टावर मुसम्मन बुर्ज जी। शाहजहां यहीं रखे गए 8 साल तक जी, यहीं शाहजहां की डेथ हुई 1666, एज ऑफ 74। ओके, दोनों बेटियां देखभाल करती थी। अच्छा, बेटे ने कैद किया क्योंकि शाहजहां ने पब्लिक मनी का प्रयोग किया जी ताजमहल को बनाने के लिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो उचित नहीं था जी। ये रोज वाटर फाउंटेन है, ये सब बंद कर दिया आजकल गवर्नमेंट ने। अच्छा, क्योंकि लोग इसको ख़राब कर